Welcome student, today we will start a new topic in social study book of class 1 and today our topic is about myself, apne aap ke mutalliq. The topic is me and my family. Me mean main and aur mera khandan, theek hai. To yahan pe do bacche hain, wo pehle apne aap के बारे में इंट्रोडक्शन दे रही हैं, फिर उसके बाद आगे वो अपनी फैमिली के बारे में कहेंगी. दिस इज़ अनम, दिस इज़ अनम, ये अनम है. शी इज़ अ गर्ल, शी इज़ अ गर्ल, वो एक लड़की है. शी इज़ 6 ईयर्स ओल्ड, उसकी उम्र जो है वो 6 साल है, ठीक है. दिस इज़ अनम, शी इज़ अ गर्ल, ठीक है. गर्ल है तो शी यूज़ हुआ है, ठीक है. शी इज़ 6 ईयर्स ओल्ड और वो उसकी उम्र जो है वो 6 साल है. दिस इज़ यासिर, ये यासिर है, ठीक है, उसका भाई है. ही इज़ अ बॉय, वो एक लड़का है. यहाँ पे ही का मतलब वो और शी का मतलब है वो. डिफरेंस ये है कि वो वी यूज़ शी फॉर गर्ल एंड वी यूज़ ही फॉर द बॉय. ओके, वो एक लड़का है. ही इज़ 7 ईयर्स ओल्ड और उसका उम्र जो है वो 7 साल है, ठीक है. अनम 6 ईयर्स की है और यासिर 7 ईयर्स का है, राइट. एंड दे आर सिबलिंग, ठीक है, आपस में बहन भाई है. यू पीपल पेस्ट और ड्रॉ योर ओन पिक्चर, यहाँ पे आप लोग अपना पिक्चर पेस्ट करेंगे, ठीक है. क्वेश्चन आंसर, व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम. माई नेम इज डैश, आप लोग इस ब्लैंक में डैश में अपना नेम बताएं. व्हाट इज योर नेम. आर यू अ गर्ल आर अ बॉय, अगर आप लोग गर्ल हैं तो कहें आई एम अ गर्ल और अगर बॉय हैं तो आई एम अ बॉय. हाउ ओल्ड आर यू, हाउ ओल्ड आर यू, ठीक है, आपकी उम्र कितनी है. आई एम 7 ईयर्स ओल्ड, आई एम 6 ईयर्स ओल्ड, आई एम 8 ईयर्स ओल्ड, राइट. ये तो थे अनम एंड यासिर के मुतालिक. अब हम आगे पढ़ेंगे यासिर और अनम के फैमिली के मुतालिक, राइट. माई फैमिली, मेरा खानदान, ठीक है. वट डज फैमिली मीन. फैमिली मीन अ ग्रुप ऑफ पीपल हैविंग ब्लड रिलेशन, जिनका आपस में खून का रिश्ता होता है वो एक फैमिली कहलाती है, खानदान कहलाते हैं, ठीक है. दिस इज अनम एंड यासिर्स फैमिली, ये अनम और यासिर का खानदान है. लुक एट दिस पिक्चर, ठीक है. ये अनम है, ये यासिर है, ये उनके पेरेंट्स हैं और ये उनके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, ठीक है, ये उनकी फैमिली है. आइए मज़ीद पढ़ते हैं इन फैमिली के मुतालिक. मिस्टर एंड मिसेस अली, मिस्टर एंड मिसेस अली यासिर एंड अनम आर ऑल इन द सेम फैमिली. मिस्टर और मिसेस अली, यासिर और अनम, ये सब एक ही खानदान के लोग हैं, ठीक है, एक ही फैमिली के लोग हैं. ओके, व्हाट डस मीन बाय मिस्टर एंड मिसेस. लुक एट दिस पिक्चर, दिस इज मिस्टर रजा अली, राइट. यासिर एंड अनम फादर, मिस्टर रजा अली, राइट. एंड शी इज़ मिसेज ऑफ मिस्टर रजा अली, ये उसकी मिसेज है, वाइफ है, तो इसलिए ये मिस्टर और ये उसकी हो गई मिसेज, ठीक है. इस तरह आपके अबू मिस्टर, ठीक है, और आपकी मामा जो है वो उसकी मिसेज है,
ठीक है। तो ये भी उनकी जो मदर है वो उनके फादर की मिसेस हैं, ठीक है। तो इसलिए कहा है मिस्टर एंड मिसेस अली, ठीक है, मिस्टर रजा अली और उसकी वाइफ, ठीक है, मिसेस अली। यासिर एंड अनम आर ऑल द सेम फैमिली, ठीक है, ये एक ही खानदान के लोग हैं। दे लिव टुगेदर इन वन हाउस, ठीक है, वो सारे इकट्ठे एक ही घर में रहते हैं। विथ देयर ग्रैंड पेरेंट्स, अपने दादा दादी के साथ एक ही घर में इकट्ठे रहते हैं। हु आर द पीपल इन द पिक्चर अबव, ठीक है, ऊपर जो पिक्चर में लोग हैं ये कौन है, ठीक है। मिस्टर एंड मिसेस अली आर द पेरेंट्स, मिस्टर एंड मिसेस अली अनम और यासिर के पेरेंट्स है, वालिदैन हैं, ठीक है। मिस्टर रजा अली इज़ द फादर, मिस्टर रजा अली इज़ द फादर, ये उनके फादर है। मिसेस जैनब अली इज़ द मदर, और ये मिसेस जैनब अली इन दो बच्चों की मदर है, वालदा है, ठीक है। यासिर इज़ देयर सन, यासिर जो है वो उन दोनों का बेटा है, ठीक है। अनम इज़ देयर डॉटर, अनम उनकी बेटी है, राइट। अनम इज़ देयर डॉटर, अनम उनकी बेटी है। यासिर एंड अनम आर देयर चिल्ड्रन, और यासिर और अनम उनके बच्चे हैं। किन के बच्चे हैं? मिस्टर रजा अली और मिसेस जैनब अली के बच्चे हैं। मिस्टर अकबर मलिक एंड मिसेस फातमा मलिक, लुक एट हेयर, मिस्टर अकबर मलिक, मिसेस फातमा मलिक आर द चिल्ड्रंस ग्रैंड पेरेंट्स, ये बच्चों के क्या है, नाना नानी हैं। दे आर जैनब्स पेरेंट्स, ये जैनब के वालिदैन हैं, ठीक है, ये जैनब के वालिदैन हैं, तो ये इनके नाना नानी हो गए, ठीक है। अच्छा जी, दादा दादी कौन होते हैं और नाना नानी कौन होते हैं? जो फादर के पेरेंट्स होते हैं, ठीक है, जो फादर के पेरेंट्स होते हैं, अम्मी अब्बू जो होते हैं, अब फादर के साइड्स पे, वो दादा दादी होते हैं, ठीक है। और जो मदर के पेरेंट्स होते हैं, जो हमारी मदर की अम्मी अब्बू होते हैं, वो हमारे नाना नानी कहलाते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ द फैमिली ऑफ अनम एंड यासिर। नाउ लुक एट द क्वेश्चंस, हाउ मेनी पीपल आर देयर इन अली फैमिली? देयर आर सिक्स पीपल इन अली फैमिली, देयर आर सिक्स पीपल इन अली फैमिली। हाउ मेनी पीपल आर देयर इन योर फैमिली? हाउ मेनी पीपल आर देयर इन योर फैमिली, ठीक है, जितने आपके फैमिली में लोग हैं काउंट करके आप उनको आंसर में ऐड कर ली, ठीक है। देयर आर 12 पीपल इन माई फैमिली, देयर आर 7 पीपल इन माई फैमिली, ठीक है, जितने भी हैं। लुक एट द एक्सरसाइज, अ फैमिली ट्री शोज अस फैमिली कनेक्शन। फैमिली ट्री शोज अस फैमिली कनेक्शन, ठीक है, हेयर इज अ फैमिली ट्री, यहाँ एक फैमिली ट्री है। ग्रैंडफादर ग्रैंडफादर, ठीक है, दादा दादी जो है, अब इन ग्रैंडफादर के क्या है, फादर और आंट, जो हमारे अब्बू है, ठीक है, जो हमारे वालिद हैं, और उनकी जो बहन है वो हमारी आंट है। फिर क्या है कि फादर और हमारी मदर, ठीक है, फिर इन दोनों के जो बच्चे हैं वो हम आपस में जो ब्रदर सिस्टर होते हैं, यहाँ पे आंट, फिर उनके जो हस्बैंड होते हैं वो हमारे अंकल ठहराते हैं, आंट अंकल, और फिर उनके बच्चे हमारे कज़न होते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको एक फैमिली ट्री दी गई है,
Look at this. Here is a family tree of the Ali family. Talk about it. Fill in the names. ठीक है, यहाँ पे नीचे आपको names दी हैं. अकबर मलिक, यासिर, ज़ैनब अली, फातमा मलिक, रज़ा अली एंड अनम. ठीक है, हर एक पिक्चर के सामने लाइन लगाई गई है, तो आप लोगों ने पिक्चर को देख के उसका नेम राइट करना है. ठीक है, लुक एट द नेक्स्ट एक्सरसाइज. लुक एट यासर एंड अनम्स फैमिली ट्री अगेन. ठीक है, अभी जो मैंने आपको फैमिली ट्री दिखाया उसके मुताबिक आप लोगों ने आंसर देना है. आंसर द फॉलोइंग. हु इज़, ठीक है, और उस पर्सन का नेम लिखना है. यासिर्स फादर. अब यासिर के फादर का नेम क्या है? मिस्टर रजा अली. ठीक है, यासिर के फादर का नेम क्या है? मिस्टर रजा अली. इसी तरह यासिर की सिस्टर का नेम मिसेस अली सन. अब मिसेस अली का बेटा कौन है? अनम्स मदर. उसका क्या नाम है? मिसेस अलीज डॉटर. ठीक है, उसकी डॉटर का क्या नाम है? मिसेस अलीज मदर. ठीक है, उसके मिसेस अली के, ज़ैनब अली के मदर का क्या नाम है? अनम्स ब्रदर का क्या नाम है? मिस्टर मलिक्स डॉटर. ठीक है, उसकी बेटी का क्या नाम है? यहाँ पे आप लोग हेल्प ले सकते हैं पेज नंबर. ठीक है, यहाँ से आप लोग हेल्प ले सकते हैं. ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज आप लोगों के रिगार्डिंग है. ठीक है, राइट अबाउट योर फैमिली, फिल इन द ब्लैंक्स. आप लोग अपने फैमिली के बारे में लिखें. माय फर्स्ट नेम इज़, आपका जो नेम है वही राइट करें. माय फैमिली नेम इज़, आपके फैमिली का जो नेम है, जिस तरह डिफरेंट फैमिलीज नेम होते हैं. ठीक है ना, पठान फैमिली, पंजाबी फैमिली, मलिक फैमिली, खान फैमिली. ठीक है, इस तरह तो आप जो भी फैमिली हो अपने फैमिली का नेम लिखे. माय फादर नेम इज़, अपने फादर का नेम. माय मदर्स नेम इज़, अपने मदर का नेम. ठीक है, आई हैव डैश ब्रदर्स एंड डैश सिस्टर. जितने आपके ब्रदर सिस्टर हैं देयर नेम्स आर, उनके नेम्स लिख लें. माई फादर्स पेरेंट्स एंड माई मदर पेरेंट्स आर माई वट. आपके बाबा के जो फादर के जो पेरेंट्स हैं और आपकी मदर के पेरेंट्स हैं, तो आपके क्या होते हैं, क्या लगते हैं? ठीक है, देयर नेम्स आर, और अपने ग्रैंड पेरेंट्स के यहाँ पे नेम्स लिखने हैं. ठीक है, ये आप लोगों ने बुक पे ही सॉल्व करना है. ओके, एक्टिविटी आपको क्या करनी है कि आप लोगों ने ड्राइंग की कॉपी में जो हमारी एक्टिविटी नोटबुक होगी, ठीक है, आप लोगों ने उस पर फैमिली, अपनी फैमिली ट्री बनानी है, और इसमें अगर पॉसिबल हो तो पिक्चर लगाएं, अगर नहीं तो सिर्फ नेम्स लिख लें. ठीक है, पेज नंबर 4 से आप लोग हेल्प ले सकते हैं. अपनी फैमिली ट्री आप लोगों ने बनानी है. ठीक है, इन ड्राइंग नोटबुक जो हमारी सोशल स्टडी की एक्टिविटी नोटबुक है. ठीक है.